तेलंगाना की हैदराबाद सीट से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता ने कहा कि ओबीसी संसद में अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, लेकिन उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। क्या कभी उन्होंने इस अल्पसंख्यकों के लिए आवाज उठाई? उन्होंने कहा कि मैं धर्म के आधार पर नहीं, विकास के आधार पर काम करूंगी, मैं महिलाओं के कल्याण के लिए काम करूंगी। बता दें आपको, लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना की हैदराबाद सीट पर इस बार डॉक्टर माधवी लता को टिकट दिया है। इसके साथ ही वह इस सीट से AIMIM चीफ असाउद्दीन ओवैसी को टक्कर देंगी। माधवी लता ने आज तक के साथ बातचीत में ओबीसी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिंदू भाई बहन जा गए तो असद भाई के लिए बहुत मुश्किल होगी। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जो योजनाएं लेकर आए हैं वे पुराने शहर के लोगों खासकर मुसलमानों तक नहीं पहुंची हैं। ओबीसी साहब ने उन्हें लोगों के सामने लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। बता दें आपको, माधवी लता भारत नाट्यम नर्तकी भी हैं। वह हैदराबाद में होने वाले सामाजिक कार्यों में भी काफी सक्रिय रहती हैं। माधवी ट्रस्टों और संस्थानों के माध्यम से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करती हैं। वह लोपा मुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लतामा फाउंडेशन की अध्यक्ष भी हैं। माधवी लता ने बेसहारा मुस्लिम महिलाओं के लिए एक छोटा सा कोष भी बनाया है और वह कई सांस्कृतिक संगठनों से भी जुड़ी रही। इसके अलावा वह एक गौशाला भी चलाती हैं और स्कूल कॉलेजों में भी हिंदू और भारतीय संस्कृति पर भाषण भी देती हैं। ऐसी ही न्यूज देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और पास बने बेल आइकन को जरूर दबाएं।